चलिए सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की जो क्लासेस रहेगी भौतिक विज्ञान, जिसमें प्रयोगशाला परिचालक में काफी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे गति, गति से जितने भी प्रश्न बनेंगे, है ना। गति का नियम क्या है, गति होता क्या है, ऊर्जा क्या है, गति का नियम क्या है, प्रथम नियम, न्यूटन गति का नियम क्या है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। कल के क्लासेस में हमने देखा ये सभी, देखिए आज हम गति पढ़ेंगे। कल के जो क्लासेस में हमने देखा था कि सूर्य, सूर्य का जो आगमन है, सूर्य का उगना डूबना, है ना, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, हमने कल के क्लासेस में पढ़े थे। आज जो क्लास रहेगा आपका भौतिक विज्ञान, जिसमें न्यूटन के नियम से संबंधित, साथ ही बल, सदिश राशि, अदिश राशि, ये टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर अवश्य बनेगा, है ना। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा आज की क्लास, है ना। पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे गति के नियम। तो गति के नियम होता क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा मैं कलर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो गति के नियम देखेंगे, गति होता क्या है। तो गति होता इसलिए है कि आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले तो आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे आपको मैं बता दे रहा हूँ। प्रथम नियम पढ़ेंगे, द्वितीय नियम पढ़ेंगे, सभी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे द्वितीय नियम क्या है, न्यूटन का क्या है, तृतीय नियम क्या है ना, ये सभी आपको पूरा, जितने भी मैं लिखने से बेहतर है कि आपको पहले से मैं लिख कर रख लिया हूँ, ताकि लिखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो जितना जल्दी मैं आपको बताऊंगा उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। अगर लिखते रहूंगा तो आपको टाइम, यानी कि जो क्लासेस है आधा घंटे की जो क्लासेस है वो आपको 2 घंटे लग जाएगा, ठीक है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। बल पूछा जाता है, घर्षण क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, राशि क्या है, सदिश राशि, अदिश राशि, सभी मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो बने रहिएगा वीडियो पर, कहीं जाइएगा मत, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आप सभी। अगर मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग बताइएगा। ये जितने भी अभी मैं आपको लिख कर रखा हूँ मैं, है ना, ये नोट्स है मेरा। अगर नोट्स आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया होगा, वहां पर जाके आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप में से मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर आप पीडीएफ के साथ साथ वीडियो देखते हैं तो काफी बेहतर है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक है पूरा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास न्यूटन से। तो गति का नियम क्या है, तो गति के नियम को सबसे पहले किसने देखा है, तो गति के नियम को सबसे पहले सर कौन है, आइजेक न्यूटन ने। गति के नियम को सबसे पहले किसने देखा है, तो गति के नियम को सबसे पहले आइजेक न्यूटन ने। सॉरी एक मिनट ना, थोड़ा वेट करो। हाँ, गति के नियम को सबसे पहले सर आइजेक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया के नाम को प्रतिपादित किया है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया है, तो गति के नियम को सर आइजेक न्यूटन ने, सर आइजेक, ठीक है, आई जेक न्यूटन कब प्रतिपादित किया है, 1687 में, ठीक है, कब प्रतिपादित किया है, 1687 में आपका आ जाएगा, सर आइजेक न्यूटन ने 1687 में, ठीक है, अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है, प्रिंसिपिया, ठीक है, अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया के नाम से प्रतिपादित किया गया है, और इसी के वैज्ञानिक नाम से ही ये गति के नियम को लागू किया गया है। तो गति के नियम को लागू करने के लिए पहला हाथ है आपका न्यूटन का प्रथम नियम, इसको क्या का नियम भी कहा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, कौन सा नियम कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है, कौन सा नियम कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, गैलीलियो, गै ली ली यो, ठीक है। लाइट बंद हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास आपको कराएंगे, है ना। देखिए गैलीलियो
के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गैलीलियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से भी जाना जाता है? तो गैलीलियो के नाम से भी जाना जाता है ना। लाइट बंद हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, है ना। तो क्लास आपको करनी है, क्लास आपको करनी है। लाइट से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। न्यूटन गति के द्वितीय नियम को और किस नियम से जाने जाते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसको याद रखना है, न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि न्यूटन गति को और किस नियम से जानते हैं, तो आप बताएंगे जड़त्व के नियम। अगर जड़त्व के नियम ऑप्शन में नहीं दिया है तो गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे न्यूटन गति का द्वितीय नियम, यानी कि एफ इक्वल टू, एक मिनट ना, कुछ मिस्टेक हो रहा होगा, मैं थोड़ा देख देता हूँ ना। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। एफ एफ ये वाला एफ इक्वल टू एम ए, बार एफ क्या है आपका और एम क्या है और ए क्या है, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। न्यूटन गति के तृतीय नियम, यानी कि विपरीत क्रिया, क्रिया के प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन गति का तृतीय नियम को किस नियम से जाना जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया। ये यहां पर लिखने में मिस्टेक हो रहा है, मेरा गलती नहीं है ना, ये थोड़ा ये जो है आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है ना, यहाँ पर इसी नाम से पूरा नहीं दिखा पा रहा होगा। चलिए देखते हैं न्यूटन गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या है, अगर जिनको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा, अन्यथा समझिएगा डेफिनेशन क्या होता है। न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन है, इसको डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम से समझिएगा। न्यूटन गति के प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु, मान लीजिएगा ये आपको कौन सा है, यदि कोई एक वस्तु है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह कौन सी अवस्था में रहेगी? विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु आपको गतिशील वस्तु है, यदि कोई वस्तु है जो गतिशील अवस्था में है तो क्या होगी? गतिशील या गतिमान अवस्था में, तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई महाबल ना लगाया जाए, उसको न्यूटन गति का प्रथम नियम कहा जाता है। तो आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दिया हूं, आपको डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आएगा तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे? तो न्यूटन गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही अवस्था में रहेगी जब तक कि क्या करेंगे उस पर महाबल ना लगाया जाता है। ठीक है, जब तक कि उस पर क्या ना लगाया जाए, महाबल, यानी कि बाहरी अवस्था से, ठीक है, महाबल, महाबल, इसको बस याद रखना, ये टॉपिक आप याद रखना बस, है ना। न्यूटन गति का प्रथम नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु आपका विरामावस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो जब तक आपका स्थिर अवस्था में रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था है, ठीक है, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था है तो गतिमान अवस्था में तब तक रहेगा जब तक उस पर क्यों बाहरी अवस्था ना लगाओगे, बाहरी महाबल ना लगाओ। एग्जाम में कैसे पूछता है कि न्यूटन गति के प्रथम नियम से, कि एग्जाम्पल में आप याद रखना, यही सवाल पूछेगा आपके सीधे व्यापम पीएससी में, प्रयोगशाला परिचालक, ठीक है। तो न्यूटन गति के प्रथम नियम कहता है, यदि कोई वस्तु, यदि कोई गाड़ी अचानक चल पड़े, आप मान लीजिए बस, ठीक है, बस अचानक चल पड़ता है, तो यात्री पीछे की ओर झुकेगा या फिर आगे की ओर? आप लोग कमेंट करके बताओ, यहां पर मैं आपको दे दिया हूं, ये आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएगा। या कौन सा नियम है? तो रुकी हुई गाड़ी, यानी कि बस जो है या टेम्पो है, जो रेलगाड़ी है, आप कोई भी बस में बैठे हो, रेलगाड़ी में बैठे हो, अगर गाड़ी अचानक चल पड़े, तो यात्री पीछे की ओर झुकेगा या सामने की ओर? तो मैं कहूंगा जो रुकी हुई गाड़ी है अचानक चलेगा तो पीछे की ओर झुकोगे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? पीछे की ओर। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? पीछे की ओर झुकेगा। किसकी ओर झुकेगा? पीछे की ओर। अगर मैं कहता हूं कि चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाए, अब गाड़ी चल रही है, अचानक भड़ाक से रुक जाएगा, अचानक से, है ना, एकदम जल्दी से रुक जाएगा, है ना, तो क्या होगा अचानक, क्या होगा? तो हम यात्री बैठे हैं, या रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, साइकिल हो, टेम्पो हो, जो भी है, अगर चलती हुई गाड़ी पर हम बैठे हैं और अचानक रुक जाता है तो हम आगे की ओर झुकेंगे, यही कौन सा नियम है? न्यूटन गति का प्रथम नियम है।
उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका कि गोली मारने पर कांच छेद हो जाएगा। जैसे हम बंदूक से गोली मारेंगे क्या होगा, एक बड़ा सा कांच है ना, बड़ा सा कांच का एक दर्पण है, उसको हम जैसे दूर से गोली मारेंगे तो उसका क्या होगा, छेद हो जाएगा। और उसको पत्थर से तोड़ेंगे तो, या फिर डंडे से पीट देंगे तो क्या होगा, या पत्थर मारेंगे, डंडे मारेंगे, या हथौड़े से मारेंगे तो दर्पण क्या होगा, टूट कर बिखर जाएगा, है ना। तो यही दिया गया है कि गोली मारने पर कांच छेद हो जाएगा तथा पत्थर या हथौड़े से टूट कर बिखर जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा, ये कौन से नियम में आएगा? तो आप बताएंगे प्रथम नियम। कौन सा नियम? प्रथम नियम। और प्रथम नियम को किस नाम से जाने जाते हैं? जड़त्व का नियम। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, टेक्निकल इशू है ना, तो टेक्निकल इशू की वजह से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक मिनट हम देख देते हैं टेक्निकल इशू कहाँ पर आ रही है ना, टेक्निकल इशू कहाँ पर आ रही है, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर मैं लिख कर देखता हूँ कि टेक्निकल इशू कहाँ पर आ रही है। ठीक, चल रहा है, टेक्निकल इशू की प्रॉब्लम से कुछ नहीं हो पा रहा था, है ना। तो ये आपका आएगा जड़त्व का नियम, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि पेड़ की टहनियों से फल का गिरना, जैसे फेल है मतलब सॉरी, जैसे पेड़ या वृक्ष की टहनियों से जैसे हम उसको हिलाएंगे तो फल गिरेगा या फिर फूल गिरेगा, ये कौन सा नियम है? न्यूटन गति का प्रथम नियम। और प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है, और जड़त्व नियम को ही गैलीलियो के नियम से भी नाम से जाना जाता है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप टाइपिंग वाइज है ना, यानी कि टेस्ट सीरीज बाय सीरीज अगर हमारी क्लास करते हैं तो बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ कि दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अच्छे से नंबर स्कोर कर लेंगे। तो मैं जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ, जितने भी नोट्स हैं मेरा, एक मिनट थोड़ा सा ना, थोड़ा सा वेट कर लो, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ, अब देखेंगे जो पेड़ की टहनी है, ठीक है ना, जो पेड़ की टहनी है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकल इशू की वजह से, है ना। जो पेड़ की टहनी है उसे फल गिरता है अचानक, है ना, या फिर उसको हिलाएंगे तो फल गिरेगा, ये कौन सा नियम है? तो न्यूटन गति का प्रथम नियम के नियम से भी जाना जाता है। कौन से नियम के नाम से जानते हैं? न्यूटन गति का प्रथम नियम, ठीक है। देखो टेक्निकल इश्यू की वजह से लिख नहीं पा रहा हूं मैं भी, है ना। थोड़ा रुक जा, है ना, ये थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूं। चलिए जैसे यहां पर आप पढ़ समझते जाइए ना, एक मिनट, थोड़ा ये प्रॉब्लम ही हो रहा है। देखो टेक्निकल इशू आ रहा है बार बार, चलिए जैसे कंबल को पकड़कर डंडे से पीटना, जैसे कंबल को पकड़कर डंडे से पीटना, ये कौन सा आ रहेगा? देखो मैं टीक लगा रहा हूं और ये नहीं हो पा रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब टेक्निकल इशू आ रहा है तो है, मैं इसका तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छे से तो मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, तो समझते चलिएगा। देखिए ये देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ उसको, फिर भी ये देखिए प्रथम नियम, है ना, तो स्लो लिखूंगा तभी ये लिखा पाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कंबल को पकड़ते हैं और डंडे से पीटते हैं या फिर उसको झड़ाते हैं तो धूल का झड़ना, ये कौन सा नियम है? न्यूटन गति का प्रथम नियम है।
चलिए देखते हैं न्यूटन गति का द्वितीय नियम होता क्या है। तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर है ना, तो वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर और उस पर आरोपित बल का अनुक्रमानुपाती होता है, या उसको उस पर आरोपित बल एफ, द्रव्यमान एम तथा त्वरण ए के अनुक्रमानुपाती होता है, एफ इक्वल टू एम ए, जहां ए क्या है आपका, ए आपका हो जाएगा त्वरण, क्या हो जाएगा त्वरण, ठीक है। एफ आपका कौन सा हो जाएगा त्वरण, जबकि एम क्या है आपका द्रव्यमान और एफ क्या है आपका बल, यही आपका द्वितीय नियम है ना, यानी कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। देखिए वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को उसके बल आरोपित एफ के अनुक्रमानुपाती होता है, ये आपका न्यूटन गति का द्वितीय नियम कहलाता है, यानी कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल का अनुक्रमानुपाती होता है, उसी को हम द्वितीय नियम के नाम से भी जाना जाता है। यदि एफ इक्वल टू जीरो लेते हैं है ना, यदि एफ इक्वल टू जीरो लेंगे तो ए इक्वल टू भी आपका जीरो ही होगा, ठीक है, ए इक्वल टू भी आपका जीरो ही होगा। ये अब टाइप इशू हो रहा है, टेक्निकल इशू है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर कि समान वेग से आती हुई गेंद और गेंद को कैच कर, समान वेग से आती हुई गेंद, यानी कि देखिए समान वेग से आती हुई गेंद को कैच करना या फिर टेनिस बॉल को कैच करना के बराबर होता है, यानी कि देखिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में टेनिस गेंद को कैच करना आसान होगा, क्योंकि जैसे ही क्रिकेट बॉल अगर हम बैटिंग उसको मारेंगे तो स्पीड रहेगा उसको, जैसे हम कैच करेंगे तो हाथ तो पीछे की ओर लेंगे ना, न कि सामने की ओर, यही तो आपका न्यूटन गति का द्वितीय नियम है। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते वक्त अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना आपका न्यूटन गति का द्वितीय नियम कहलाएगा। देखिए क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते वक्त अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना आपका न्यूटन गति का द्वितीय नियम है। देखिए यहाँ पर गद्दे गद्दे पर या सोफे पर कूदना या फर्श या सीमेंट के बने पत्थर की तुलना में कम चोट लगना, कहने का तात्पर्य है अगर हम कूदेंगे गद्दा पर या सोफे पर कूदेंगे है ना, या मखमल पर कूदेंगे, इसकी तुलना फर्श से या फिर सीमेंट के बने पत्थर से किया गया है। अगर किसकी तुलना किया गया यहाँ पर, अगर गद्दे में कूदेंगे तो हमें कम चोट लगेगा है ना, सीमेंट में कूदेंगे ज्यादा चोट लगेगा, अंतर है कि नहीं, यही आपका न्यूटन गति का द्वितीय नियम है और इसी को एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं जो कि न्यूटन गति का तृतीय नियम, इसको डेफिनेशन से समझेंगे तृतीय नियम को क्या कहता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि विपरीत क्रिया, यानी कि इसका मतलब होता है, मैं आपको थ्योरी के नहीं आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, तृतीय क्रिया यानी कि तृतीय नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या फिर विपरीत नियम भी कहा जाता है, क्योंकि पहली वस्तु को जितना, देखिए यह आपको पहली वस्तु है, पहली वस्तु को जितना जोर दोगे, जितना अधिक बल का प्रयोग करोगे, जितना धक्का दोगे, उतनी ही दूसरी वस्तु पर ही विपरीत क्रिया होगी, जितना ज्यादा ताकत आप इसमें लगाओगे उतनी ही ज्यादा ताकत दूसरी वस्तु पर ही लगेगी, यानी कि विपरीत क्रिया होगा, यानी कि पहली वस्तु को जितना ज्यादा ताकत करोगे, जितना ज्यादा धक्का दोगे, जितना ज्यादा उठाओगे, उतनी ही प्रतिक्रिया आपको विपरीत दूसरी वस्तु पर भी पड़ेगा। यहां तक क्लियर हुआ, समझा सका या समझ पाए है ना, यही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक मिनट थोड़ा सा ना, चलिए अब देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए एग्जाम्पल में आप समझिएगा, बंदूक से गोली दागते समय, जैसे हम बंदूक से गोली दागेंगे या किसी को मारेंगे है ना, किसी बंदूक से गोली चलाएंगे हम सामने की ओर, तो झटका लगना, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बंदूक से गोली चलाते वक्त
हमें पीछे की ओर झटका लगता है। ये कौन सा नियम है? तृतीय प्रतिक्रिया का नियम होता है। इसको प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जा सकता है या न्यूटन गति का तृतीय नियम भी कहा जा सकता है। जैसे नाव पर चढ़े व्यक्ति की तुलना में जमीन पर कूद कर उतरना, कहने का तात्पर्य है जैसे हम नाव पर चढ़े हैं और कोई व्यक्ति है जो, जैसे नाव आपके किनारे पर है, मान लीजिएगा मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका ये पानी है ठीक है और ये आपका जमीन है ठीक है, मान लीजिएगा आपका जमीन है और इस पर एक नाव बना है ना, मान लीजिएगा ये आपका नाव बना है और नाव से हम जैसे ये उतरेंगे है ना, जैसे आदमी यहाँ से कूद कर जमीन पर उतरेगा तो नाव को धक्का पीछे की ओर लगेगा ना, तो आदमी जैसे जमीन पर कूदेगा तो नाव जैसे पानी में है तो लहर पीछे की ओर जाएगा, वही है उसी प्रकार कहने का मतलब है बंदूक से गोली दागते समय जैसे हम बंदूक से निशाना लगाएंगे तो ये आपका पीछे की ओर झटका लगेगा, यही आपका न्यूटन गति का तृतीय नियम है और ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है ठीक है। नाव पर चढ़े व्यक्ति की तुलना में जमीन पर कूद कर उतरना, ये भी न्यूटन गति का तृतीय नियम है। हम नाव पर चढ़े हैं, नाव से जैसे कूद कर नाव के पार, जमीन के पार में आ गए ना, पार में जैसे हम कूदेंगे तो नाव पीछे की ओर धक्का लगेगा, उसी प्रकार नाव चलाते हैं जैसे नाव में बैठे हैं, नाव से बांस की लकड़ी जो होती है ना बड़ा सा, उसको हम जैसे खोंगे है ना, नाव को जैसे खोते हैं ना तो आगे की ओर चलता है, वही आपका न्यूटन गति का तृतीय नियम है। यहाँ पर दिया भी गया है, देखिए नाव को पानी में चलाने के लिए बांस के डंडे को खोना, मैं आपको बताया रैकेट का सिद्धांत, यानी कि रैकेट के जो सामूहिक संरक्षण का सिद्धांत होता है, मान लीजिएगा एक रैकेट है ठीक है, ये आपका रैकेट है ठीक है, ये आपका गैस ठीक है, रैकेट ऊपर की ओर जाएगा तो धुआं पीछे की ओर निकलेगा, कौन सा है? रैकेट का तृतीय प्रतिक्रिया का नियम है। कुआं से पानी निकालते समय बीच से ही रस्सी टूट जाना, अब जैसे हम कुआं से पानी निकालेंगे, मान लो यहाँ पर कुआं मैं बना देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना ठीक है, ये आपका एक कुआं बना लेते हैं ठीक है, ये बड़ा सा एक मान लीजिएगा कुआं बन गया है ठीक है, ये यहाँ पर रस्सी है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है ठीक है, पानी भरा हुआ बाल्टी, यहाँ पर बाल्टी से पानी से रस्सी खींचेंगे, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो पानी से पानी पानी को रस्सी से खींच रहा है और बीच से रस्सी टूट जाए तो जो आदमी है व्यक्ति है वो पीछे की ओर गिरेगा या फिर सामने की ओर गिरेगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा, आप सभी के लिए प्रश्न है ठीक है। कुआं से पानी निकालते समय जैसे हम कुआं से पानी निकालेंगे तो बीच से ही रस्सी टूट जाएगा, तो हम पीछे की ओर गिरेंगे कि सामने की ओर गिरेंगे कमेंट करके बताइएगा, और यह कौन सा नियम है? न्यूटन गति का तृतीय नियम है, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है ठीक है, पीछे की ओर ही गिरेगा। चलिए बल देखते हैं, बल होता क्या है, बल क्या है, बल के मात्रक क्या है, किसी को मालूम है बल होता क्या है? चलिए बताइए बल होता क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। सीजीएस पद्धति में इसको डाइन कहा जाता है, डाइन डायन नहीं है भाई, डाइन कहा जाता है, डाइन ठीक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, आपके एग्जाम पूछा जा सकता है, एसआई मात्रक से भी प्रश्न पूछते हैं ठीक है। सीजीएस पद्धति में बल को क्या कहा जाता है? डाइन कहा जाता है। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल के मतलब होता है जैसे हम अच्छा सम्यक संरक्षण के नियम, रैकेट रैकेट का कौन, रैकेट के सम्यक संरक्षण के नियम देखे क्या? जो सम्यक संरक्षण का नियम होता है वो आपके द्वितीय नियम और तृतीय नियम पर लागू करता है, सम्यक संरक्षण के सिद्धांत, रैकेट का नोदन पढ़े होंगे, घर्षण बल आप सभी को मालूम होगा जो चिकने पृष्ठ की सतह पर जो दरारें रहती है, अब कहने का तात्पर्य आपको मैं बता रहा हूं, देखिए ये आपको घर्षण बल में चीकी दर्रा वाला है, दर्रा वाला जमीन है और चिकना वाला यानी कि समतल वाला जमीन है, तो आप चलोगे तो किसके कारण चलोगे? घर्षण के कारण ही चलोगे, अगर चीकने पर चलोगे तो गिर जाओगे,
घर्षण बल का तात्पर्य यह है कि अगर बरसात के समय आप चिकने सतह पर चलोगे तो काई, अब काई है, अब चिकने पर चलोगे तो आप कैसे करोगे, पैर आपका फिसलेगा। जबकि घर्षण, जैसे आप यह उबड़ खाबड़ रास्ता है या फिर ये समतल रास्ता ना होगा, चाहे घर्षण बल के कारण ही आप चल पाते हैं, घर्षण बल के कारण ही बस रुक पाता है, बस चल पाता है। अगर चिकना रहेगा तो टायर चलेगा क्या, साइकिल का रिंग चलेगा क्या, गोल गोल नहीं चलेगा, चिकने रहेगा तो फिसल जाएगा। एग्जाम्पल क्या क्या है घर्षण बल का, तो घर्षण बल का स्थारा मतलब घर्षण बल का जो एग्जाम्पल है कि अगर हम चल पाते हैं जमीन पर तो घर्षण बल का उदाहरण है, हम दौड़ पा रहे हैं, रुक पा रहे हैं, या बस का चलना, ट्रेन का चलना है, ये सभी क्या है घर्षण बल के कारण ही होता है। लेकिन जो पटरी होता है समतल होता है, लेकिन जो रिंग होता है उसका चिकना वाला जैसे कब्जा पकड़ा रहता है, वो घर्षण बल के कारण ही घूमता है। हम चल पाते हैं घर्षण बल के कारण, दौड़ पाते हैं घर्षण बल के कारण, बस चलता है, रोड जैसे रोड रहते हैं ना, डामर रोड, डामर रोड कैसा रहता है, चिकना रहता है कि दर्रा रहता है, दर्रा रहता है ना, वही आपका घर्षण बल है। ठीक है, शक्ति क्या है, तो शक्ति मैं आपको बता रहा हूँ शक्ति होता क्या है, ध्यान से समझिएगा ना थोड़ा सा। अब घर्षण बल को थोड़ा समझिएगा, दो सतह के बीच लगने वाला बल, दो सतह के बीच लगने वाला बल को एक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब है घर्षण बल को कम करना, मशीनों का लेवल करना, या ठोस सतहों में मध्य घर्षण अधिक होना या कम होना, यह भी घर्षण बल के कारण ही है। ठीक है, घर्षण बल की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो घर्षण बल की विशेषताएं हैं कि दोनों सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल निर्भर करता है। ठीक है, शक्ति क्या होता है, शक्ति शक्ति क्या है, कमेंट करके बताइएगा। क्या है शक्ति, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा शक्ति क्या है, शक्ति क्या है, कमेंट करके बताइएगा। मालूम है किसी को यहाँ पर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। चलिए बताइए किसको मालूम है, कार्य करने की दर, शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होगी। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक वाट, शक्ति का SI मात्रक आपका होगा वाट, इसको याद रखना, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार देखिएगा कि कार्यकर्ता द्वारा W का कार्य, मान लीजिएगा W का क्या करेगा, कार्य करेगा, W का कार्य T समय, है ना, ये आपका कार्य करेगा, उसी को क्या कहते हैं, SI मात्रक वाट होता है। ऊर्जा होता क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु के क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा कौन सी राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, कौन सी राशि है, अदिश राशि। ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश राशि, इसका SI मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक होता है आपका जूल। ठीक है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्लियर हुआ, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की दर या कार्य करने की क्षमता उस पर वस्तु का क्या होता है,
अभी तक मालूम नहीं। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहता है, और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। राशि आपका अदिश राशि होगा। ऊर्जा को हम दो प्रकार से जानते हैं, कौन कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा यानी किसी वस्तु में गति के कारण जो उत्पन्न गति होती है उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही गतिज ऊर्जा कहा जाता है, और गतिज ऊर्जा को KE यानी कि काइनेटिक ऊर्जा भी कहा जाता है, उसको 1/2 mu का स्क्वायर भी कहा जाता है। यह आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता स्थिर होती है, उसको स्थिर अवस्था में भी कहा जाता है, यानी किसी वस्तु में उसकी अवस्था क्या होगी, स्थिर होगी। किसी वस्तु का कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, जो कार्य करने की क्षमता होगी ना, कम होगी स्थिर होगी। वही आपका क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, और इसको हम PE बराबर MGH से मापा जाता है। ये आपका याद रखना, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है, और ये आपका आ जाएगा गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे, याद रखे तभी बताएंगे ना। राशि क्या है, सदिश राशि अदिश राशि, तो यह आप लोग नोट करते चलेंगे। यहाँ पर सदिश राशि होता क्या है, तो सदिश राशि वे भौतिक राशि जिसका परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है ना, परिमाण परिमाण, ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, इनको सदिश राशि कहते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अदिश राशि कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। परिमाण के साथ साथ दिशा की, परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। बस इतना याद कर लो, आप लोग को पूरा हो जाएगा। सदिश राशि अदिश राशि, सदिश राशि में केवल परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, जबकि परिमाण और दिशा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। तो सदिश राशि कौन कौन सा होगा, सदिश राशि आपका हो जाएगा वेग, जिनको मालूम है कमेंट करके बताइएगा, वेग, आवेग, संवेग, आपका सभी सदिश राशि, वेग, आवेग, संवेग, चुंबकत्व, चुंबकत्व, ठीक है, जितने भी चुंबक से आएगा, जितने भी सभी चुंबकीय आघूर्ण, ये सभी आपका आएगा, बल, विस्थापन, कोणीय वेग, ये सभी आपके सदिश राशि हैं। सदिश राशि वेग, आवेग, संवेग, चुंबकत्व, चुंबकीय आघूर्ण, बल आघूर्ण, है ना, विद्युत चुंबकीय, जितने भी यहाँ पर सभी ये क्या है, सदिश राशि है ना। नोट कर लो, इसका PDF आपको मिल जाएगा। अदिश राशि क्या है, अदिश राशि चाल समय गुणा, चाल समय दूरी गति विद्युत धारा, ये सभी क्या है आपके अदिश राशि है। चाल समय दूरी कार्य ऊर्जा, ये सभी आपके अदिश राशि हैं। ठीक है, क्लियर हुआ का यहाँ तक, जिसको मालूम नहीं है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
क्या क्या आएगा? द्रव्यमान, घनत्व, ठीक है, और क्या क्या है? आयतन, दाब, तापमान, और क्या क्या आएगा? विद्युत धारा हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, द्रव्यमान, घनत्व, ये सभी आपको क्या आएगा? अदिश राशि। परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। मात्रक के दो प्रकार होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। सीजीएस पद्धति, चलिए देखते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में एसआई मात्रक, सीजीएस पद्धति में एसआई मात्रक आपका होगा लंबाई का सेंटीमीटर। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना? है ना, सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। द्रव्यमान ग्राम से, समय सेकंड, ठीक है। अगर इसी को एमकेएस पद्धति में पूछा जाए, इसी को अगर एमकेएस पद्धति में पूछा जाए, ठीक है ना, अगर इसी को एमकेएस पद्धति में पूछा जाए, है ना। अगर देखिए यहाँ पर सीजीएस पद्धति में सही मात्रक यहाँ पूछा गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसी प्रकार एमकेएस पद्धति में पूछा जाए लंबाई को, तो आप बताएंगे मीटर से। द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड, ठीक है। अगर इसी को एफपीएस में पूछा जाए, एफपीएस में एसआई मात्रक, लंबाई को पूछा जाएगा तो फुट, द्रव्यमान को पूछा जाएगा तो पाउंड, कमेंट ना करें ना, बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको। समय को सेकंड, ठीक है। इतना इतना पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो। आपके एग्जाम में डेली अगर इस तरह पढ़ोगे तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए भी इतना ही। अगर आप कौन से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।